अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वंडर वर्ल्ड 7 किचन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे मटन स्ट्यू। बिल्कुल मज़ेदार सा, चटपटा सा, किस तरह बनाया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखते हैं। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से जो ईजिली आपको मिल जाए वो सब यूज़ करेंगे और अब इसको हम बनाते हैं अपने किचन में। चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन स्ट्यू बनाने के लिए मटन लिया है 1/2 kg हमने। सबसे पहले पतीले को गर्म करके हम उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद इसको गर्म करते हैं। फिर हमने यहाँ पर ली है प्याज, 2 बड़ी प्याज ली थी, स्लाइस में कट कर लिया था हमने इन्हें, हम वो ऐड कर लेंगे। हम स्ट्यू बना रहे हैं, स्ट्यू में तो प्याज ज़्यादा ऐड होती है, इसलिए पहले हम 2 बड़ी प्याज स्लाइस करके इस ऑयल में ऐड कर लेंगे। इसको हम चमचे से थोड़ा सा चला लेते हैं और इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं कि ये थोड़ी लाइट गोल्डन सी हो जाए कलर में। ये देखें इस तरह से थोड़ी लाइट गोल्डन सी हो जाए। अब हम ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। इसको ऐड करने के बाद हम 1 टीस्पून डालेंगे गार्लिक पेस्ट। फिर हम इसको सॉटे कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो अपनी स्मेल होती है वो थोड़ी सी निकल जाए और ये अच्छी तरीके से प्याज के साथ पक जाए। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम ऐड करने जा रहे हैं मटन, जो हमने 1/2 kg लिया था। मटन ऐड करेंगे, फिर हम इसको चमचे की मदद से चला लेंगे। हमें मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि गोश्त अपना सारा पानी रिलीज करे। अब हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे। चमचे से मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि गोश्त अपना पानी रिलीज कर दे और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था वो अच्छी तरीके से गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम इसे अच्छी तरीके से पका लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली थी और बीच में से उसको कट कर लिया था, वो ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर ताकि थोड़ी सी हरी मिर्चें भी फ्राई हो जाएं गोश्त के साथ, उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसको भी हम चमचे की मदद से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ी सी फ्राई हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया था मैंने और भुना कुटा हुआ धनिया लिया था वो भी 1 टीस्पून, वो ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ बेहतरीन से खुशबू आ रही है जीरा डालने के बाद। जीरे की खुशबू ही अपनी एक अलग होती है, खानों में बिल्कुल एक अच्छा सा अरोमा ला देती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप, और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, इसलिए मसाले ऐड करने से पहले मैं हमेशा थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि मसाला जले ना। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इन सबको हम डाल लेते हैं और अच्छी तरीके से चमचे की मदद से फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे इस तरह चला के। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, फिर हम इसे भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद अब हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट 1 कप, जिसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए थे और चॉपर में डालकर कुछ चॉप कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था और पानी थोड़ा कम ऐड किया था।
तो इस पेस्ट में ये बात याद रखिएगा, आपको पानी कम डालना है और थोड़ा मोटा मोटा पेस्ट बनाना है। अब पेस्ट डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से गोश्त के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसको फिर कवर करके 2 मिनट के लिए पकने रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से भुन जाए और अपना पानी रिलीज़ कर दें। अब 2 मिनट के बाद देखें पानी रिलीज हो गया है टमाटरों को, टमाटर अच्छी तरीके से पक भी गए हैं। अब हम गोश्त गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 2 कप। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका मटन इस टाइम पर कितना गल चुका है, उसी हिसाब से पानी ऐड होगा। 2 कप पानी ऐड किया है और 2 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके 40 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। पानी डालने के बाद देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया, अब इसको हम 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 40 मिनट के बाद देखें हमारा गोश्त पानी खुश्क हो गया और गोश्त भी हमारा गल गया है। अब इसको हम चेक कर लेंगे, देखें गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, तोड़ के देखा तो हमने वो बिल्कुल टूट रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी और उसको स्लाइसली कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे क्योंकि मटन स्ट्यू में तो प्याज ज़्यादा ही ऐड होती है, इस वजह से हम प्याज अब डालेंगे। पहले हमने स्टार्ट में डाली थी आधी प्याज और आधी प्याज अब हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करने जा रहे हैं जूलियन कट हुई हुई अदरक, मैंने 1 टीस्पून ली है, वो ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 लाल मिर्चें, सूखी हुई लाल मिर्चें, ये 2 ऐड कर दूंगी लंबी वाली, और 4 गोल मिर्चें जो होती हैं बटन रेड चिली जिन्हें कहते हैं वो ऐड कर दूंगी, और 1 टीस्पून गरम मसाला, हमें जो है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है, और इन सबको फिर हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे दही, दही मैं यहाँ पर लूंगी 2 टेबल स्पून। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे चमचे की मदद से ताकि कोई लम्स ना रहे और अच्छी तरीके से ये जो दही है वो मसाले के साथ मिक्स हो जाए। दही को मिक्स करने के बाद देखें दही ने पानी छोड़ दिया, अब इसको हम कवर करके 8 मिनट के लिए पका लेंगे। देखें 8 मिनट के बाद प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और तेल भी ऊपर आ गया है और हमारा मटन स्टू अब बिल्कुल रेडी है। हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं और देखें कितना मज़ेदार सा स्ट्यू हमारा लग रहा है। आप लोग बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते रहें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।